हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई स्टडी पॉइंट। आज हम लोग क्लास 8 स्टैंडर्ड का जनरल साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टडी करने वाले हैं एंड दिस इज़ द थर्ड वीडियो लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। इससे पहले हमने हमारे इस चैप्टर के 2 वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो वो लेक्चर्स देख लीजिए और हमारे आई स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो तो हम हमारे आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। इस लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स की स्टडी करने वाले हैं। देखो स्टूडेंट्स, हम लोगों को ये बात पता है कि हमारे अर्थ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। इन सारे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो होते हैं उनका नंबर बहुत लार्ज क्वांटिटी में है। इसी वजह से अगर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की स्टडी करनी होगी तो साइंटिस्ट ने माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को भी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में और सब ग्रुप में डिवाइड किया है। तो चलो हम वो जो क्लासिफिकेशन है उसके स्टडी करेंगे। अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज़म्स, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर लार्जेस्ट इन नंबर, हेंस दे आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो ये क्लासिफिकेशन देखो कैसे हुआ। सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को 2 टाइप में डिवाइड किया है, दैट इज़ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। आफ्टर प्रोकैरियोटिक को फर्दर डिवाइड किया है बैक्टीरिया इस सब ग्रुप में, और यूकैरियोट्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स है उनको प्रोटिस्टा, फंगीज एंड अल्गीज ऐसे सब ग्रुप में डिवाइड किया है। ओके, तो देखो बच्चों क्लासिफिकेशन, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म का क्लासिफिकेशन है उसको स्टडी करने से पहले हम लोगों को एक टर्म को ध्यान में रखना है, और वो टर्म कौन सी है देखो। 1 मीटर इज इक्वल टू 10^6 माइक्रोमीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 10^9 नैनोमीटर। इससे इस टर्म से हम लोगों को ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म का साइज़ है उसके बारे में अच्छे से पता चलेगा। ओके, तो चलो हम हमारे सबसे पहले वाले ग्रुप की तरफ चलते हैं। पहला ग्रुप है और द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज़म इज़ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की साइज़ होती है 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। देखो बच्चों, ये बैक्टीरिया जो रहते हैं वो कितने छोटे, कितने स्मॉल होते हैं, उनकी साइज़ होती है 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। अभी उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखेंगे। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो यूनिसेलुलर रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं, ये पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। समटाइम्स मेनी बैक्टीरिया टुगेदर फॉर्म कॉलोनीज। उसके बाद में देखो, बैक्टीरियल सेल इज प्रोकैरियोटिक विथ सेल वॉल बट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स आर अब्सेंट। तो देखो, इनके जो सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं वो अब्सेंट रहते हैं। ओके, और जो बैक्टीरियल सेल रहते हैं उनके सेल को सेल वॉल रहती है। उसके बाद में देखो, दे रिप्रोड्यूस बाय सिंपल बाइनरी फ्यूजन। आफ्टर दैट, इन फेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया ग्रो विगरसली एंड कैन डबल देयर नंबर इन 20 मिनट्स। अगर बैक्टीरिया को फेवरेबल कंडीशन मिल गई तो वो डबल की क्वांटिटी में, सॉरी, इन 20 मिनट्स वो जो बैक्टीरिया रहते हैं वो डबल हो सकते हैं। उनकी ग्रोथ जो है वो 20 मिनट्स में डबल होती है अगर उनको फेवरेबल कंडीशन मिल गई तो। यहाँ पे देखो कुछ बैक्टीरिया के एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे कोकस, कोको बैसिलस, बैसिलस, राइट, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वाला जो क्लासिफिकेशन का ग्रुप है देखो, वो है प्रोटोजोआ। उनकी साइज़ होती है अप्रोक्सीमेटली 200 माइक्रोमीटर। तो ये जो प्रोटोजोआंस रहते हैं, देखो बच्चों, प्रोटोजोआंस आर फाउंड इन सॉइल, फ्रेश वाटर एंड सी वाटर। सम आर फाउंड इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स एंड आर पैथोजेनिक। दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विथ यूकैरियोटिक सेल।
देयर इज अ ग्रेट वेरिएशन इन अ सेल स्ट्रक्चर ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन एंड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन अमंग प्रोटोजोआंस। तो ये जो प्रोटोजोआंस है इनके सेल स्ट्रक्चर और उनका जो न्यूट्रिशन का मोड है इसमें हम लोगों को वेरिएशंस दिखेगा। और दीज ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय सिंपल सेल डिवीजन। और ये जो प्रोटोजोआंस के ऑर्गेनिजम्स है उनका रिप्रोडक्शन सिंपल सेल डिवीजन से होता है। उसके बाद में देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल हम लोग स्टडी करेंगे, अमीबा एंड पैरामीशियम, ये फ्री लिविंग टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये डर्टी वाटर में हम लोगों को दिखाई देते हैं। उसके बाद में एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ये भी एक एग्जांपल है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ये जो ऑर्गेनिज्म है प्रोटोजोआन का वो मलेरिया के लिए कॉज करता है मलेरिया के लिए। और उसके बाद में देखो युग्लिना ऑटोट्रॉपिक, युग्लिना जो है वो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है ऑटोट्रॉपिक, मतलब वो खुद का न्यूट्रिशन और खुद का खाना खुद बना सकते हैं, राइट। यहाँ पे हम लोग ये प्रोटोजोआंस के कुछ पिक्चर्स यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखो पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ये कुछ एग्जाम्पल है प्रोटोजोआंस के। उसके बाद में नेक्स्ट वाला जो है वो देखो फंगी, राइट। तो ये जो फंगीज है उनकी साइज़ देखो 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर इतनी छोटी होती है। दे आर फाउंड ऑन डिकाइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड डेड बॉडीज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स। तो वो कहाँ पे हम लोगों को मिलेंगे, डिकाइंग ऑर्गेनिक मैटर और डेड बॉडीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। दीज आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, सम आर यूनिसेलुलर एंड अदर्स आर विजिबल विथ नेकेड आइज। मतलब ये जो फंगिस के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है कुछ यूनिसेलुलर भी रहते हैं और कुछ मल्टीसेलुलर भी रहते हैं। ये सेप्रोट्रॉपिक रहते हैं, ऑब्जर्व देयर फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। मतलब ये क्या करते हैं देखो, ये जो डेड बॉडीज रहते हैं, डेड प्लांट्स रहते हैं, ये जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर रहता है उसमें से वो अपना खाना ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए हम उनको सेप्रोफाइट्स कहते हैं। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली बाय सेल डिवीजन और बाय बडिंग। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं फंगिस का, बेकर्स ईस्ट, कैंडिडा और मशरूम। यहाँ पे हम लोग एक पिक्चर भी देख सकते हैं मशरूम का, ओके, अंडरस्टैंड। अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलिए और रिमेनिंग पार्ट हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। थैंक यू।